आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल और एक रीसेलिंग हॉल, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें आपको गाउन, कुर्ता, शरारा, लहंगा, टॉप, मतलब बिल्कुल न्यू कलेक्शन है। मैं ट्राई करती हूँ लेटेस्ट कलेक्शन ही आपके साथ शेयर करूँ, तो जो भी मीशो प्राइस है, रीसेलिंग प्राइस है, मैं मेंशन करती जाऊँगी रीसेलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ इनमें से बाय करनी है, कोई भी आइटम बाय करना है तो आपको क्या करना है। लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे क्लिक दे दूंगी, जस्ट वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करना है, मैसेज करना है, तो आप मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी इंस्टाग्राम पे, तो बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो फटाफट से करना, बिकॉज होता क्या इन 5 मिनट वो सोल्ड आउट हो जाता है, फिर बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एंड मीशो पे लिंक नहीं होते, कोड होते हैं, सभी जो आउटफिट शेयर कर रहे हो सभी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 रुपीज का ऑफ देखने को मिलेगा, तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मीशो के अलावा भी मेरे जो फेवरेट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई आइटम्स हो, मैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी आपने ये कहाँ से परचेज किया, ये कहाँ से परचेज किया, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक डाल दिया है माय हॉल स्टोर करके, जस्ट आपको वहाँ पे क्लिक करना है तो आपको वहाँ पे फेवरेट आइटम दिखेंगे मेरे, जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स है, तो आप वहाँ से अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट आइटम ये है बहुत ही प्यारा सा कुर्ता शरारा सेट। एंड इसको आपको जैसा कि थंबनेल से पता चल ही गया होगा कितना प्यारा कलर है, इस तरीके की पैकेजिंग में आपको देखने को मिलता है, मुझे लुकिंग वाइज है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा परचेज करते हैं, देखते हैं कैसा निकलता है। और बहुत ही प्यारा निकला है, लुक एट दिस। पहली बात तो इसमें मुझे है ना मेरा वाला साइज नहीं मिला, ना तो स्मॉल मिला ना एम मिला, फिर एल साइज अवेलेबल था, तो मैंने सोचा चलो एल ही शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी फिर साइज के चक्कर में ऐसा नहीं हो, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूं। तो इस तरीके का आपको इसमें कुर्ता देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट कुर्ती मिलेगी इसमें आपको, फुल एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है, आप देख सकते हो पूरी पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, प्लस नीचे भी आपको इतना अच्छा ब्रॉड हैवी बॉर्डर देखने को मिल जाता है, अंदर की साइड पूरे पे लाइनिंग अटैच है, राउंड नेक है। इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट फैब्रिक, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है समर्स में, कलर काफ़ी प्यारा है, समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगी। बैक साइड बिल्कुल प्लेन देखने को मिल जाएगा। लुकिंग वाइज ये कुर्ता शरारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मार्ट लगेगा पहनने के बाद, बहुत ही अच्छा एक लुक आएगा, तो डेफिनेटली बिल्कुल भी मिस मत करना। कोड है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी रीसेलिंग प्राइस और मीशो प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप ध्यान रखना। तो इस तरीके की आपको इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी कुर्ती देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब इन्होंने इसका दिया है दुपट्टा एंड शरारा, तो सबसे पहले मैं आपको शरारा बताती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर शरारा है ये वाला। इस तरीके का आपको ये जॉर्जेट फैब्रिक में शरारा देखने को मिलेगा, इलास्टिक वाला है, जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर से स्ट्रेट फिटिंग में, फिर नीचे आते आते आप देख सकते हो फुल लुक आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके का शरारा देखने को मिलेगा, कितना ज़्यादा फ्लेरी है, फुल स्कर्ट लहंगे वाला लुक आएगा। इसमें पूरे पे सिक्वेंस लगवाए हुए हैं, जरी का काम किया हुआ है, नीचे लेस लगवाई हुई है, इसकी फिनिशिंग क्वालिटी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है सिक्वेंस हट रहा है कर रहा है, वो चीज़ नहीं है, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता शरारा है ये वाला। अंदर की साइड आपको प्रॉपर इसमें लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, हाईली रिकमेंड करूँगी ये वाली ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, लेटेस्ट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसका दुपट्टा भी इन्होंने बहुत ही प्यारा सा इसमें दुपट्टा दिया है, इस तरीके का आपको पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, जॉर्जेट फैब्रिक का, आप देख सकते हो कितना प्यारा है, पूरे पे सिक्वेंस लगवाए हुए हैं, इस तरीके का बॉर्डर लगाया हुआ है, ये लेस लगाई हुई है, 2.25 मीटर का है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हो, लुकिंग वाइज परफेक्ट है किसी भी वेडिंग, किसी भी फंक्शन में, किसी भी चीज़ में अगर आप पहनना चाहते हो, आपके फ्रेंड की वेडिंग है या फिर कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन है, उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी ड्रेस है, लुकिंग वाइज लेटेस्ट है, तो ये है जो फर्स्ट आउटफिट मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे पिक किया है। तो अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है बहुत ही प्यारी सी सेलिब्रिटी स्टाइल गाउन, एंड इसका बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, प्लस प्राइस वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लग रही थी, तो मैंने मंगवाई, एंड रियली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आई है, तो खोल के बताती हूँ। ये आपको प्योर ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले आप देखिए इसका फ्रंट,
इसका फ्रंट आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। स्ट्रैपी शोल्डर है एंड यहाँ पे इलास्टिक दिए हुए हैं जो कि आपके इधर आएंगे, तो फुल लुक आप एक बार साइड में देख लेना इसका। ये पूरा वेलवेट फैब्रिक के ऊपर है, तो मुझे प्राइस वाइज काफ़ी ज़्यादा सही लगी यार। इतनी प्राइस में एक अच्छी सी एक पार्टी वेयर ड्रेस मिल रही है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एंड इस तरीके की आपको ये वाली गाउन मिल जाएगी, ये फुल वेलवेट के ऊपर इन्होंने सिक्वेंस लगवाए हुए हैं। फुल लेंथ में आपको गाउन मिलेगी, मेरी हाइट है 5.5, तो उस अकॉर्डिंग आप हाइट देख लेना कितनी आएगी। पर ये बहुत ही सुंदर है, अंदर की साइड आपको इसमें प्योर लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर साटिन की लाइनिंग अटैच है। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है 40 नंबर। मैं एक बार साइज चार्ट देख लूँगी, स्मॉल वगैरह एम वगैरह इस तरीके से अवेलेबल है क्या, जो भी साइज मैंने पिक किया है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो इस तरीके की आपको गाउन देखने को मिल जाएगी और सिक्वेंस की क्वालिटी मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छी है। बिल्कुल ब्लैक सिक्वेंस लगवाए हुए हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एक भी नहीं अट रहा है, अच्छे से स्टिच किए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई सी भी पार्टी फंक्शन अटेंड करना है, एक लुकिंग में सिंपल गाउन लेनी है लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके की गाउन एलिगेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, गर्ल्स वगैरह के लिए काफ़ी परफेक्ट है और वैसे भी परफेक्ट है अगर आपकी वेडिंग वगैरह है और आप सिंपल सोबर इस टाइम में कुछ लेना चाहते हैं कि यार मतलब आपकी इंगेजमेंट है या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन में पहनना है छोटा मोटा बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसका। तो अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है एक प्यारा सा पीच कलर का लहंगा। अब मैंने इसे खोल के नहीं देखा, खोल के आपके सामने बताऊंगी। इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिला है यार, ये देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो देखते हैं क्वालिटी कैसी निकली है। ओके, तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, ये पूरा सेमी स्टिच आपको ये वाला लहंगा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको वेस्ट से स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके का लहंगा है, वेस्ट आपको इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, प्योर नेट में लहंगा देखने को मिलेगा। नेट के ऊपर इन्होंने पूरा ये सब जो आप देख रहे हो ना एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस जरी का काम, ये सब इन्होंने नेट के ऊपर किया गया है। इसका कलर है जो पीच कलर है और इसका जो एम्ब्रॉयडरी है काफ़ी अच्छे से की गई है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी बेस्ट है। एंड इस तरीके की आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी नीचे की साइड, ये पूरा इन्होंने जरी का काम किया गया है प्लस सिक्वेंस लगाए हुए हैं। ये वाला लहंगा है जो गोल्डन पीच एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है, तो बहुत ही प्यारा सा लुक है। अंदर की साइड आपको प्रॉपर इसमें साटिन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, पर इसमें कैन-कैन नहीं है, तो अगर आपको ये वाला लहंगा लेना है तो आपको अलग से इसमें कैन-कैन स्टिच करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है। 3 मीटर से अबव इसको आपको फ्लेयर देखने को मिल जाएगा, लेकिन कैन-कैन लगवाने के बाद इसका लुक और भी प्यारा आएगा। एंड इस तरीके का नीचे बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, ये पूरा जो काम है आप देख सकते हो जरी का काम किया गया है प्लस ये सिक्वेंस लगवाए हुए हैं, किसी भी फंक्शन ऑकेजन के लिए बेस्ट है क्योंकि कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है समर्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको इस तरीके का लहंगा देखने को मिल जाएगा। टॉप के लिए इन्होंने इस तरीके का वेलवेट का फैब्रिक दिया हुआ है, क्योंकि आपने पिक्चर में देखा होगा बहुत ही स्टाइलिश सा टॉप है, तो आप उस तरीके से इसे स्टिच करवा सकते हैं। एक ब्लैक कलर का आपको 1 मीटर के आसपास एक फैब्रिक देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल प्लेन। तो अगर आप इस लहंगे को वैसे की वैसे स्टिच कराएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आएगा। तो अगर आप ये वाला लहंगा लेना चाहते हो तो वैसे ही ब्लाउज स्टिच करवाओ, बहुत ही प्यारा लगेगा और इतना फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके का आपको ये वाला फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। एंड दुपट्टे के लिए इन्होंने इस तरीके का दुपट्टा इसमें दिया हुआ है, ये आपको पीच कलर में दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल प्लेन दुपट्टा, क्योंकि जो ब्लाउज है वो भी काफ़ी अच्छा स्टाइलिश एंड डिजाइनर हो जाएगा। लहंगा ऑलरेडी काफ़ी हैवी है, तो इन्होंने बिल्कुल दुपट्टा है जो बिल्कुल प्लेन रखा है। एंड यहाँ पे आपको बस छोटे छोटे सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगे, ये फ्लावर लगवाए हुए हैं, ये बॉर्डर लगाया हुआ है, पूरा 2.25 मीटर का आपको नेट का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। इस लहंगे की रेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी अच्छी है क्वालिटी, काफ़ी अच्छी है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। तो लेना चाहते हो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, पर लहंगे में कैन कैन नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग बस मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा कि इस
इतनी प्राइस में तो कैन होनी चाहिए थी, पर अगर नहीं है तो आप अगर आप लेना चाहते हो तो कैन लगवा लेना, तभी लुक आएगा, नहीं तो फिर मत लेना इस वाले लहंगे को। इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर आप कैन लगवाओगे तो ही अच्छा लुक आएगा। अब जो लास्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा रेनबो टॉप है शर्ट स्टाइल। मैंने आपके साथ रेनबो टॉप पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन वो ऑफ शोल्डर में था, तो मैंने ये मीशो पे देखा, मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था तो मैंने पिक किया। एंड इस तरीके का रेयन फैब्रिक में देखने को मिलेगा। पहले आप कलर देखो, इसके कलर्स है जो लाइट कलर से, इसलिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। शर्ट स्टाइल में मिलेगा, पूरे जो बटन से फंक्शनेबल है, कॉलर दी हुई है। इसमें आपको इस तरीके की बेल स्लिप देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। 3/4 में लुकिंग वाइज काफी परफेक्ट है, प्लस समर्स के अकॉर्डिंग काफी परफेक्ट है। एक तो रेयन फैब्रिक है, दूसरा कि कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इस तरीके के कलर है जो समर्स में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छी लगी। और इसमें मैंने जो साइज पिक किया है वो है स्मॉल, क्योंकि ये बलून टॉप टाइप में, तो मैंने एम साइज पिक नहीं किया, स्मॉल ही काफी अच्छा आ जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, इसे आप किसी भी डेनिम के साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करने जाना है, कहीं भी जाना है, एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा डिजाइनर टॉप है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। सभी की रीसेलिंग प्राइस है, मीशो प्राइस है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। गाइस, आई होप आपको आज का ये मीशो हॉल पसंद आया होगा। अगर हॉल अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप मेरी वीडियो टाइम से देख पाओ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके आप मुझसे कनेक्ट रहिए। एंड इनमें से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा डेफिनेटली कॉमेंट करके बताओ। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।